हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण, कारण और घरेलू उपाय। आइए जानते हैं इसके बारे में। यूरिन इन्फेक्शन पुरुष और महिलाओं दोनों को होने वाली एक बहुत ही नॉर्मल स्वास्थ्य समस्या है। मूत्र मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। ये तब होता है जब मूत्राशय या मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया संक्रमण हो जाए और तब पेशाब के जरिए ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ज्यादा समय तक पेशाब को रोके रहने से मूत्राशय में जमा पेशाब में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। इकोली नाम का ये बैक्टीरिया ज्यादातर मामलों में संक्रमण का काम करता है। इसके अलावा लंबे समय से शुगर के मरीजों और गर्भवती औरतों को भी यूरिनरी अट्रैक्शन होता है। अगर आपको ये समस्या पहले भी आती रही है तो आपने कभी न कभी यूरिन इन्फेक्शन की दवा के लिए एंटीबायोटिक ली होगी। वो जल्दी असर तो करती है, लेकिन उसका हमारे किडनी पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में घरेलू उपचार बताऊंगी यूरिन इन्फेक्शन के इलाज के लिए। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, पर महिलाओं का इससे होने का खतरा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। इसकी वजह है उनका मूत्र मार्ग बहुत ही छोटा होना, जिससे बैक्टीरिया आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। अगर समय रहते पेशाब में इन्फेक्शन का उपचार ना किया जाए तो इसके फैलने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 80% लोगों को कभी न कभी जेंडर इन्फेक्शन हुआ है। अब ये जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण ज्यादा समय तक पेशाब रोकना या बार बार करना यूटिलाइज होने का बड़ा कारण है। जिन लोगों को काफी दिनों से शुगर है उन्हें ये हो सकता है। पानी कम पीना। गर्भावस्था के दौरान मूत्राशय संक्रमण जल्दी होता है। रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से मूत्राशय पर नियंत्रण न होने की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है। साफ सफाई का ध्यान न रखना लड़कियों को महावारी यानी कि मासिक धर्म के समय इसके फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आइए जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन होने के लक्षण। पेशाब का रंग गहरा होना, बार बार पेशाब आना, बाथरूम करते समय पेशाब में जलन और दर्द होना, यूरिन से अधिक बदबू आना, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द महसूस होना, गुप्त अंगों में खाज खुजली होना, सर्दियों के साथ बुखार चढ़ जाना। मूत्र मार्ग संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो पहले यूरिन टेस्ट कर लें, उसके बाद बताए गए यूरिन इन्फेक्शन के घरेलू उपचार करें। आइए जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। पहला है क्रैनबेरी यानी लाल रंग के खट्टी बैर का जूस। जब बैक्टीरिया मूत्र मार्ग के जरिए मूत्राशय में पहुंच जाते हैं तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्रीम बेरी उन बैक्टीरिया को वहां तक पहुंचने से रोकता है। क्रैनबेरी एक तरह का फल का एंटीबायोटिक होता है, जिससे हमें इस समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ब्लैंडर इन्फेक्शन के दूसरे इलाज के लिए दिन में 3 से 4 बार क्रैनबेरी का इस्तेमाल करें। बेहतर परिणाम के लिए इसमें सेब का रस भी मिला सकते हैं। अगर आपको पहले गुर्दे की पथरी हुई है तो आप इस घरेलू नुस्खे को ना करें। दूसरा है अधिक से अधिक पानी पिए। यूरिन इन्फेक्शन होते ही सबसे पहले जो उपाय होता है वो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। इससे पेशाब ज्यादा बढ़ेगा और मूत्र के साथ बैक्टीरिया आपके शरीर से बाहर निकलेगा और इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। किसी भी दूसरे पेशाब में इन्फेक्शन के दूसरे इलाज के साथ पानी बहुत ही जरूरी है। तीसरा है बेकिंग सोडा। मूत्र मार्ग में संक्रमण के इलाज के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही प्रभावी है। बेकिंग सोडा पेशाब में एसिड का बैलेंस सही करता है, जिससे इस दौरान हुई पेशाब में जलन और दर्द से राहत मिलती है। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर दिन में 2 बार पिए। चौथा है सेव का सिरका। सेव के सिरके में बहुत सारे ऐसे लाभकारी एंजाइमों और खनिज तत्व पाए जाते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक इलाज के लिए फायदेमंद होते हैं। सेव को सिरके को हम एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सेव का सिरका मिला लें और इसे अच्छी तरह मिलाकर पिएं। अगर चाहे तो इसमें आप नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं। दिन में 2 बार इस घरेलू उपाय को करें, जब तक कि इन्फेक्शन पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। 5वां है अनानास। अनानास में प्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो किडनी और पेशाब में इन्फेक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किडनी में सूजन को कम करने के लिए भी अनानास बहुत ही लाभदायक होता है। रोजाना अनानास काट कर खाएं, इससे आपका इन्फेक्शन कम तो होगा ही, साथ ही भविष्य में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा और इससे आपको बचाव होगा। इसकी जगह आप अनानास का जूस भी पी सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण और कारण और उसके घरेलू उपाय। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।